हेलो माई डियर प्रोडॉन्स आर मी आर वेरी वॉर्म वेलकम टू टू डेज सेशन दिस इज निकी मैम योर केमिस्ट्री टीचर एट वेदांतु आई होप आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा एंड आज हम क्या करने वाले हैं एम गोइंग टू टेल यू थ्री सिक सीक्रेट्स टू कंप्लीट केमिस्ट्री सिलेबस इन जस्ट वन डे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन भी तो मैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स आज रिवील करने वाली हूँ जो आपके केमिस्ट्री एग्जाम के प्रिपरेशन को और तेजी से बढ़ाए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो होपफुली सब कोई मेरे बच्चा पार्टी है ना और जिन्होंने अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन कर दो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ द मोटिवेशनल कोट एग्जाम के टाइम में थोड़ी और ज़्यादा मोटिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत होती है स्टे पॉजिटिव वर्क हार्ड मेक इट हैपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना मैम हमेशा आपको ये ज्ञान भी देती है पॉजिटिव रहना है भाई अब कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से ऐसा होता है कि यार नहीं चीज़ें कंप्लीट हो रही हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं एन्जाइटी स्ट्रेस थोड़ा अपने आप को काम डाउन करो पॉजिटिव रहो मेहनत करो खुद पे भरोसा रखो एंड डेफिनेटली फोड़ के आओगे एग्जाम में एंड इन जनरल इन लाइफ इज़ वेल ठीक है बच्चों पार्टी यू कैन फॉलो योर निकी मैम ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम इज वेल अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है निकिता अंडर स्कोर जीरो एट एस यू एस एच यू तो वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो कुछ भी डाउट या केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो ठीक है चलो भाई अब हम डिस्कस करते हैं सीक्रेट्स के बारे में है ना वीडियो को हाँ बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू द सीक्रेट्स पक्का से वीडियो को लाइक करना कमेंट करके बताना मैम ये ये ट्रिक मैं पक्का से टिप फॉलो कर रही हूँ ऑलरेडी और इस चीज़ चीज़ों को मैं ऐड ऑन करूंगा या करूँगी ठीक है ओके okay, तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्रायोरिटाइज की टॉपिक्स प्रायोरिटीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक्स इन द सिलेबस ऑब्वियसली अगर आपके पास चार चैप्टर्स है पांच चैप्टर्स है इन जनरल मैं सब्जेक्ट के बारे में बात मतलब कोई ऐसे सिर्फ केमिस्ट्री रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ अगर आपके पास, पास पांच चैप्टर्स है छह चैप्टर्स है आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा है ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनका वेटेज ज़्यादा है आप आप उन पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान दोगे है ना ऐसा मैं कह रही हूँ आपको ये चीज़ फॉलो करनी है आई होप कर ही रहे होंगे तो प्रायोरिटी सेटअप कर लो बच्चा पार्टी जो टॉपिक्स के वेटेज ज़्यादा है उससे क्वेश्चन आएंगे ही लिख के ले लो है ना तो यू हैव टू मेक श्योर यू फोकस ऑन दीज एरिया फर्स्ट टू एनश्योर एंड एनश्योर यू कवर द कोर कॉन्सेप्ट दैट आर लाइकली टू अपीयर इन द एग्जाम तो जो भी आपके हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, उससे तो पक्का क्वेश्चंस आएंगे ही तो उसको एकदम एंड मोमेंट ऑफ एग्जाम के लिए मत रखना कि भाई कल एग्जाम है आज पढ़ने बैठूंगा मैं गड़बड़ होगी है ना बेसिकली गड़बड़ करके आओगे सारी चीजें एक एग्जाम के एक दिन पहले के लिए अगर आप रखोगे स्पेशली जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही चैप्टर का हाई वेटेज होगा या एक ही चैप्टर आपको पढ़ना होगा है ना तो आप प्रायोरिटाइज कर लो ये टॉपिक्स उस पर ज्यादा ध्यान दो है ना आगे बात समझ में नेक्स्ट आपका है रिव्यू योर नोट्स टेक्स्ट बुक सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समरीज यू हैव फॉर दीज की टॉपिक्स टू रिफ्रेश योर मेमोरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट मेकिंग है ना कभी कभी हम ऐसा करते हैं बिना कॉपी कॉपी पेन के बैठेंगे रीड कर लिया हम समझते अरे अपुनी भगवान है ऐसा नहीं करने का ठीक है नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं खुद के नोट्स बनाओ स्कूल से जो आपको एडिशनल नोट्स मिल रहे हैं उस पर ध्यान दो सेशंस जो आपके चल रहे हैं उस पर है ना बच्चा पार्टी जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे मेहनत करोगे चीज़ें आपकी यहाँ स्टोर होंगी ऐसे बस नॉवल की तरह पढ़ के छोड़ दोगे नहीं कर पाओगे गड़बड़ हो जाएगी है ना तो वो चीज़ नहीं करनी है नोट्स अच्छे से बनाना है टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक के बारे में बात करूँ एन सी आर टी बेसिक से स्टार्ट करो है ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीज़ों को ज्यादा रेफरेंस बुक्स या नोट्स आपको नोट्स तो आप बना ही रहे हो रेफरेंस बुक्स एडिशनल आप एड ऑन कर सकते हो लेकिन एन सी आर टी को भी अच्छे से थोड़ो करके जाना वो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है एड ऑन उसमें कुछ भी कर सकते हो आप ठीक है अच्छे बुक्स पी वाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना हमेशा मैं बोलती हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको पर्टिकुलर एक आइडिया मिल जाएगा कि इस लेवल या इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे है ना कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनके मूड के ऊपर है ठीक है कुछ में पूरी कहानी पूरा ग्रंथ देंगे आपको फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे है ना नोट्स अच्छे से बनाओ है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करो रंग बिरंगा कलर कलर से पढ़ो है ना रंग बिरंगी चीज़ें हाईलाइटर कलर पेन मार्कर है ना ये सारी चीज़ें यूज करके नोट्स अच्छे से बनाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके जो टेस्ट सीरीज विदांतों पर चल रहे हैं वो पक्का से ले लो है ना वो अपार्ट फ्रॉम दैट यूटिलाइज विजुअल एड्स लाइक चार्ट्स डग्राम फ्लैश कार्ड्स टू कंडेंस इन्फॉर्मेशन एंड मेक इट इजियर टू रिकॉल ड्यूरिंग द एग्जाम आप फ्लैश कार्ड भी यूज कर सकते हो फ्लैश कार्ड में आप एक साइड पे क्वेश्चन लिख लो है ना जैसे कि आपने पांच फ्लैश कार्ड बनाए सेल्फ असेसमेंट ले लो पांच साइड में uh, एक मतलब पांच फ्लैश कार्ड में एक साइड क्वेश्चन लिखो शफल इट एंड द ट्राई आंसरिंग द्वेश्चन वन बाय वन है ना उससे भी और वो फ्लैश कार्ड को आप एक्चुअली अपने स्टडी टेबल के अराउंड स्टिक कर सकते हो स्टिकी नोट्स बना सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस पर मैंशन कर सकते हो जितना आप उसको देखोगे हर सुबह उठ के तो उतनी चीज़ें आपकी यहाँ घुसेंगी ठीक है यस डायग्राम्स और फ्लैश कार्ड ये मैंने बता दिया चार्ट इसमें भी आप बेसिकली फ्लो चार्ट बना सकते हो या माइंड मैप बना सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना तो उससे आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का सब uh, टॉपिक अगर उसके कुछ और यू नो डिविजन हैं वो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तो ये एक एफिशिएंट स्टडी टेक्निक है ताकि आपका जो मेमोरी है स्ट्रांग हो एंड एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ोगे बच्चा पार्टी तो वो आपका एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा जब आप आंसर्स लिखोगे कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर रखोगे ठीक है ऑल क्लियर अब एफिशिएंट स्टडी टेक्निक में एक और है सिंस एग्जाम इंक्लूड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा ज्यादा है यू हैव टू मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग सैंपल प्रॉब्लम्स टू री इन्फोर्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है तो कोई भी टॉपिक से वो जनरली बस आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि बताओ ये क्या होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा कॉन्सेप्ट सेम है पर उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है तो वहाँ पे घबराना मत यू हैव टू मेक श्योर कि आप कॉम्पिटेंसी या अच्छे लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी लगाओ जिसका आपको सेशन यूट्यूब पे तो आपका चल ही रहा है है ना प्लस आपके जो द्रोणा पैचेज हैं उसमें भी सारे डाउट्स क्रिएटर हो रहे हैं और क्वेश्चन अच्छे से कराए जा रहे हैं आपको प्रैक्टिस तो वो बिल्कुल भी ओवर लुक मत करना एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है, है? All clear, बच्चा पार्टी, जो कि मैंने आपको बताया बैच के बारे में इसका इसका जो सेशन uh, है है, हो चुका लिंक आपको description box में मिल जाएगा बच्चा पार्टी, Now, ये है, तो हर topic, हर टॉपिक सब्जेक्ट के आपको अच्छे से रिवाइज कराया जाएगा ऑल योर केटर्ड है न? आपका सिक्स टू एट पी एम यू विल गेट द स्कड्यूल फॉर द सेम तो सारे टीचर्स आपके यूट्यूब पे सेशन्स ले रहे हैं वही टीचर्स आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे है ना तो आपको मेक श्योर करना है कि इस चीज़ के लिए इस द्रोणा बैच के लिए आप अच्छे से रजिस्टर कर लो है ना बिकॉज दीज सेशन्स आपके यूट्यूब पे नहीं होंगे ये आपके पेड बैचेज हैं है न यू कैन यूज़ माई कूपन कोड टू गेट फिफ्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ आप निकी मैम का कोड यूज़ कर सकते हो टू अवेल फिफ्टी परसेंट ऑफ अगर आपको ज़्यादा इंटरेक्शन करनी है टीचर से डाउट सारे क्लियर करने और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिविजन करना है इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम डेफिनेटली बच्चा पार्टी गो फॉर द्रोना है ना तो यह आपकी लाइव सेशन की कहानी हो गई आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल सकते हैं एक लाइव है और एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको सेशन मिल जाएंगे लेकिन अगर इंस्टेंटली आप सेशन देख रहे हो आपको कोई डाउट आया तो आपके पास वहाँ पे टीचर प्रेजेंट नहीं है वो डाउट को केटर करने के लिए राइट एंड आई फील एग्जाम के टाइम में डाउट्स एक्चुअली ज्यादा होते हैं बच्चों को है ना आप पढ़ने बैठोगे बहुत सारे डाउट्स आते हैं तो वो डाउट्स को केटर करना अपार्ट फ्रॉम द रिविजन सेशन दैट इज वॉट द्रोना इज डूइंग फॉर ऑल ऑफ यू है ना अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी वी आर ऑल्सो गिविंग यू द टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज आपकी चल ही रही है ग्रेड नाइन्द एंड ग्रेट टेंथ के लिए दैट इज एब्सोल्यूटली फ्री इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वंस यू हैव साइंड एंड गो टू माई टेस्ट लाइव एंड अपकमिंग व्यू सिलेबस एंड अटेम्प्टाउ उसके बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट टेस्ट पे वंस यू हैव गिवेन द टेस्ट आपने जो भी आंसर्स लिखे हैं यू हैव टू अपलोड द पिक्स फ्रॉम यूर कंप्यूटर एंड देन क्लिक ऑन सबमिट एंड एंड टेस्ट जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया यू हैव टू डाउनलोड आंसर्स आपको जाना है मोर में नीचे कंटेंट लाइब्रेरी अगर आपने नाइन्थ का दिया है तो नाइन्थ के बगल में एक्टिव क्लिक करना टेंथ का दिया है तो टेंथ के बगल के एक्टिव में क्लिक करना जो भी सब्जेक्ट का आपको आंसर uh, की चाहिए साइंस का अगर आपने एग्जाम दिया है तो साइंस में मैथ्स का तो मैथ्स रिस्पेक्टिवली है ना एडिशनल कोर्स मटेरियल देन यू हैव टू क्लिक ऑन आंसर पी एक्शन के नीचे आपको रीड दिखेगा यू हैव टू क्लिक ऑन दैट उसके बाद आपको प्रॉपर आंसर की मिल, मिल जाएगी विद इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। तो नहीं लिया है आपको करने हैं स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन करने फॉर दिस ऑल क्लियर ओके नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में जो कि अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बी आर बी रियलिस्टिक अबाउट व्हाट यू कैन कवर इन द लिमिटेड टाइम यू हैव डू नॉट एल लॉन्ग ऑन अ सिंगल टॉपिक कीप मूविंग फॉरवर्ड टू एन श्योर यू टच अपन वेरियस सेलेक्शन ऑफ द सिलेबस तो ये होता है ना वो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो फेवरेट होता है तो हमें ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि इससे इस, इस पर मैं एक्चुअली पी एच डी कर लूँगा या कर लूँगी है ना विच इज़ अ गुड थिंग लेकिन अगर आपको आपका एग्जाम है यू हैव टू मेक श्योर कि आप टाइम मैनेज कर रहे हो है ना यू हैव टू बी प्रैक्टिकली और रियलिस्टिक कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे आधा घंटा देना है, है ना बाकी टॉपिक्स भी तो है बाकी टॉपिक्स तो इग्नोर नहीं फील कर रही हैं उस पर भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना है तो ये चीज़ ना मुझसे भी गलती हुई है आप मत करना यू हैव टू मेक श्योर आपको टाइम प्लानिंग टाइम मैनेजमेंट ऐसा करना है कि अगर मुझे एक टॉपिक मैंने थर्टी मिनट्स दिया है ना बाकी भी तो टॉपिक्स है बच्चा पार्टी ऐसा थोड़ी ना ये एक ही टॉपिक होगा आपके सब्जेक्ट में अदर टॉपिक्स ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस पर भी टाइम दे रहे हो है ना टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दैट डिवाइड योर अवेलेबल स्टडी टाइम इंड टू मैनेजेबल ब्लॉक्स फॉर ईच टॉपिक अब मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ तो आपको मेक श्योर sure करना है कि जो आपका स्टडी टाइम स्ड्यूल है उसमें आप जो स्टडी टाइम है इंडिविजुअल टॉपिक्स के लिए डिवाइड कर लो है ना कि अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा यह बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है तो दूसरा मैं क्या अगर फर्स्ट अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ केमिकल फार्मूला मेकिंग का ठीक है ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते केमिकल फार्मूला तो दूसरा मैं ले लूँगी बैलेंसिंग है ना तो आपको ये टाइम स्कड्यूल के साथ आगे बढ़ना है नीचे हो गया कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन लिखना है मुझे है ना ये कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं तो वो अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर सकते हो ताकि आप एक ही टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम ना दो आपको दूसरे टॉपिक पे भी इक्वली ध्यान देना है सेट अ टाइमर फॉर स्टडी फॉलोड शॉर्ट ब्रेक्स टू ट्रेशन अब एक चीज मैं हमेशा हर सेशन में बोलती हूँ ब्रेक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आप टाइमर सेट कर सकते हो कि हाँ मुझे आधा घंटा या एक घंटा इस पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक को कंप्लीट करना है उसके बाद मैं ब्रेक लूंगी एंड इन दैट ब्रेक टाइम यू कैन एक्चुअली डू समथिंग विच कीप्स यू काम विच कीप्स यू मोर हैप्पी है ना तो ये आपकी कहानी हो गई टाइम मैनेजमेंट की आई होप ये सारे टॉपिक्स ये जो मेरे टिप्स आपको दिए हैं ये आप अच्छे से फॉलो कर, कर रहे हो ताकि आपका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन और जल्दी हो है ना एंड वीडियो में पक्का मेरे को बताना आपके एग्जाम्स की तैयारी कैसे चल रही है और आज का सेशन कैसा लगा सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड बच्चा पार्टी थैंक यू सो मच सो हैप्पी लर्निंग एवरी वन बाय